तेज प्रताप आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर खूब बरसे। तेज प्रताप अपने समर्थकों के साथ पार्टी ऑफिस पहुंचे, जमकर हंगामा किया। तेज प्रताप ने यह आरोप लगाया कि जगदानंद सिंह की वजह से लालू यादव बीमार हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर पार्टी को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। ये तस्वीरें भी आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं, पार्टी दफ्तर जब पहुंचे थे तेज प्रताप। और अभी तक इन्होंने आजाद पत्र नहीं लिखा है, आप जा करके उनसे पूछिए। पार्टी के भी कुछ विधायक और नेता यह आरोप लगाते हैं कि हाँ तो उनको मनमानी करते हैं, उन्हें आने नहीं देते हैं पार्टी। अब इनसे पूछिए क्या लगता है, अब ये बताएंगे हम क्या बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ये बताएंगे हम तो पांच पांच बार आए पता नहीं जो स्लिप लगाई, जबकि हम नवासी से लालू जी के ये तरीके का स्लिप हो गया। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। इनके करने से पार्टी का नुकसान हुआ है, गरीब का पार्टी है, गरीब का आज भी गरीब साथ में है। पूरे देश भर का जितना गरीब है वो आज भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसके साथ है पूरे तरीके से। आप खुद देखिए, आप जाकर के यहाँ पे जो आएगा अपॉइंटमेंट लेके आएगा, ये आम जनता का पार्टी है, आम जनता का, यहाँ कोई भी आ सकता है। रामचंद्र पूर्वे थे तब भी ऐसा होता था क्या? वो थे तो नहीं होता था, वो थे तो नहीं होता था। हम भी आते थे, वो तो हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पे आते थे। जो सबकी बातों को सुने, सब होना ही चाहिए, जो समाज के बीच में हो, जो नहीं बोले विधायकों की अपॉइंटमेंट लेकर के आओ। अभी हम देखिए, हम माननीय विधायक हैं, हम हसनपुर से विधायक हैं, अभी तक वो हमको रिसीव करने नहीं आए। पार्टी को बर्बाद करने में उधर तेज प्रताप के आरोपों पर जगदानंद सिंह ने कहा कि ये घर का मामला है, सारे विवाद सुलझा लिए जाएंगे। ना हम किसी से नाराज हैं, ना हमसे कोई नाराज है। वो आप लोगों लालू यादव के लिए आजादी पत्र भी आपने नहीं लिखा है, आप यहाँ पर लोगों से बातचीत नहीं करते हैं पार्टी के नेताओं से, कई गंभीर आरोप हैं। सब लिखा रहा है, एक आध दिन में नहीं लिखा जाएगा, सब लिखा रहा है। पार्टी को आप कमजोर कर रहे हैं, भी आरोप उन्होंने अभी लगाया है। बात कर लेंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए, चिंता कोई भी साथी करता है तो उचित। उन्होंने भी कहा कि लालू यादव की जो आज स्थिति है वो आपके जैसे लोगों के कारण है। भाई अब जो भी स्थिति है अब सबके सामने है। आइए सीधे मैं आपको ले चलता हूं मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या ये आरजेडी का अंदरूनी झगड़ा है जो इस तरीके से सामने आ रहा है? अखिलेश, ये पहली मरतबा है ऐसा जिसमें देखा गया है कि तेज प्रताप यादव खुलकर सामने आए हैं। न सिर्फ सामने आए हैं बल्कि वो जगदानंद के कमरे के बाहर, जो प्रदेश अध्यक्ष का कमरा है उसके बाहर खुलकर चुनौती दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अंदर बैठे हुए हैं और ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरे स्वागत के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है जगदानंद और प्रदेश अध्यक्ष है, उनके खिलाफ जम करके बोलना, इसके पीछे क्या वजह है? वजह बहुत सिंपल है, बहुत छोटी बात है कि इन दिनों तेज प्रताप लालू यादव की रिहाई के लिए आजादी का पत्र लिख रहे हैं और उस पत्र को लिखने के लिए जगदानंद को वो चाह रहे थे कि वो भी वो पत्र लिखे और उसमें शामिल हो जाए, लेकिन जगदानंद समेत कई बड़े वरिष्ठ नेता इस काम से मना कर दिया इन लोगों ने और यही वजह है कि आज इनके तेवर तल से आरजेडी दफ्तर में हंगामा बरपा दिया और खुलेआम चुनौती दी जगदानंद को कि वो क्यों नहीं बाहर निकलते हैं। तो ये बड़ा ही अजीब वाकया था और तेज प्रताप पहले से भी मशहूर है इस तरह के वाक्यों को करने के लिए। तो ये एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर भी घमासान मचा हुआ, जो वो अपनी जगह है लेकिन तेज प्रताप अपने वर्चस्व को साबित कर रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।